आयुष देखो मेरा हाथी कितना अच्छा है। मेरा शेर तो जंगल का राजा है। अरे तुम लोग चुप रहो, देखो मेरे कछुए को, वो तो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। मेरी गाय तो कितनी सुंदर है, वो दूध देती है जिसको पी के हम सब बहुत तंदुरुस्त होते हैं। मेरा हाथी अच्छा है, मेरा शेर अच्छा है। नहीं मेरा, मेरी गाय प्यारी है। किस बात पे तुम लोग बहस कर रहे हो भाई? भैया देखिए कितना अच्छा हाथी है। अरे वाह, वास्तव में इसका हाथी बहुत अच्छा है, ये तो जंगल में सबसे बड़ा जीव है। भैया देखिए ना मेरा शेर क्यों कितना है। हाँ इनका शेर भी जो है ये तो पूरा जंगल का राजा लग रहा है। और देखिए भैया मेरा कछुआ, वो तो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी। अरे वाह, ये तो कछुआ जो है जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, इसीलिए हम इसे उभयचर प्राणी भी कहते हैं। भैया मेरी गाय कितनी सुंदर है। देखे, अरे वास्तव में बहुत सुंदर गाय है इनकी, गाय से दूध मिलता है हमें जी। अच्छा बच्चों ये बताओ ये सारे जीव कहाँ पर रहते हैं? नहीं पता भैया, आप ही बताइए ना। ये सारे जीव जंतु जैव मंडल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जैव मंडल में। हाँ पर भैया ये जैव मंडल क्या होता है? पृथ्वी तीन मंडलों में बटी है। पहला ये जल मंडल, दूसरा स्थल मंडल, तीसरा वायु मंडल। इस प्रकार से ये तीन मंडल पृथ्वी पर पाए जाते हैं। कौन कौन से मंडल हैं? जल मंडल, स्थल मंडल और वायु मंडल। बहुत अच्छे, तो हम एक चित्र के माध्यम से भी देखते हैं कि पृथ्वी पर ये तीन कौन जो मंडल है कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पाए जाते हैं। देखिए आप चित्र में देखिए, इसमें आपको पानी दिखाई दे रहा है ना जी। ये पूरा पानी जिसमें ये नाव चल रही है, ये पानी का भाग हमारा जल मंडल कहलाता है। और ये जमीन और ये पहाड़ है, ये सब स्थल मंडल होते हैं। इसको कौन सा मंडल कहते हैं? स्थल मंडल। और इसके ऊपर जो हवा चलती है, पेड़ पौधे हिलते हैं, आपने देखा होगा बादल भी होते हैं, ये सब वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं। कौन सा मंडल होता है ये? वायुमंडल। तो इस प्रकार से जल मंडल, थल मंडल और वायुमंडल तीन मंडल होते हैं। अब बच्चों आप लोगों ने देखा है जल कहाँ कहाँ मिलता है? समुद्र में। हाँ तालाब में। हाँ नदी में। हाँ कुएं में। हाँ तो जल हमें कई स्थानों से मिलता है, समुद्र में भी पाया जाता है और नदी में भी पाया जाता है। हम आपको देखिए नदी का एक चित्र दिखाते हैं। देखिए आपको ये जंगल का एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस जंगल से बीच से होती हुई एक नदी बह रही है, तो ये भी आपका जल मंडल ही है। जल मंडल में जितने भी पानी है, चाहे समुद्र का पानी हो या आपका नदियों का पानी हो या तालाबों का पानी हो, ये सब जलमंडल में ही आता है। लेकिन जो जलमंडल होता है उसमें जो जंतु जीव जंतु होते हैं वो पूरे जल में नहीं पाए जाते हैं। जैसे समुद्र होता है, समुद्र की बहुत गहरा होता है, उसे प्रकाश भी नहीं जा पाता है और ना ही वायु जाती है, तो वहां पर जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। और जहां पर जल में जीव जंतु पाए जाते हैं उसे जलीय जैव मंडल कहते हैं। तो जलीय जैव मंडल क्या होता है? जलीय जैव मंडल जल में जहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं उसे जलीय जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय जैव मंडल कहते हैं। जल में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? मछली। हाँ मछली, सांप। सांप भी होते हैं, कुछ जो जल के जो होते हैं जीव जंतु उनमें सांप भी होते हैं, जिसे पनीला सांप भी कहते हैं हम लोग। और मेढक। मेढक, मेढक तो आपका जल में भी पाया जाता है और थल में, थल पे भी रहता है, उसे भी हम उभयचर प्राणी कहते हैं। और जल में ऑक्टोपस। हाँ एक जो समुद्र होता है उसमें एक जीव पाया जाता है ऑक्टोपस, उसके आठ हाथ होते हैं। देखा है आप लोग के पास है? हाँ ये देखिए इनके पास है, ये ऑक्टोपस है ना, ये समुद्र में रहता है। तो ये सभी जीव आपके कहाँ पाए जाते हैं?
जल में पाए जाते हैं। तो जल में जहाँ जहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं उसे जलीय जैव मंडल कहते हैं। अच्छा बच्चों, हम लोग कहाँ रहते हैं? धरती पर। धरती पर रहते हैं, जल में तो नहीं रहते हैं, नहीं, है ना। और धरती पे और क्या क्या चीजें आपने देखी है? पर्वत। पर्वत, रेगिस्तान। रेगिस्तान भी होता है, जंगल। जंगल भी होते हैं, घर। घर भी हमारे पृथ्वी पर ही बनते हैं, जैसा कि आपने बताया कि पृथ्वी पर पहाड़ होते हैं, रेगिस्तान होते हैं। देखिए, हम आपको चित्र में दिखा रहे हैं, देखिए कितना खूबसूरत सा पहाड़ है। ये पहाड़ है, ये पहाड़ आपका पृथ्वी के ऊपर ही होता है और रेगिस्तान भी पृथ्वी पर ही है। तो ये सारी के सारी जो संरचनाएं हैं पृथ्वी पर पाई जाती है, ये सब स्थल मंडल कहलाती हैं। ये सारी के सारी क्या है? स्थल मंडल। स्थल मंडल कहलाती हैं। और स्थल मंडल पे कई जीव जंतु रहते हैं और स्थल मंडल के अंदर भी रहते हैं। कौन कौन से जीव जंतु है जो जमीन में रहते हैं? सांप। हाँ, चींटी। चींटी भी जमीन में रहती है। चूहा भी बिल खोद करके जमीन के अंदर ही रहता है। केचुआ। केचुआ भी आपका जमीन के अंदर ही रहता है। लेकिन ये जो जीव जंतु हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं वो कुछ ही गहराई तक मिलते हैं, क्योंकि वहां हवा पहुंच सकती है, क्योंकि जीव जंतुओं के लिए तो हवा चाहिए जी। तो जो जीव जंतु थोड़ी सी गहराई तक ही ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं, और ज्यादा गहराई करेंगे तो वहां जीव जंतु आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन वो सब स्थल मंडल तो होता ही है। तो जो स्थल मंडल के अंदर स्थल पर जो जीव जंतु जहां जहां पाए जाते हैं वो आपका स्थलीय जैव मंडल कहलाता है। तो स्थलीय जैव मंडल क्या हो गया? स्थलीय जैव मंडल है स्थल मंडल में जिस स्थान पर जीव जंतु पाए जाते हैं उसे स्थलीय जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलीय जैव मंडल। ठीक। अच्छा ये बताइए, स्थल के ऊपर कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? चिड़िया। चिड़िया, चिड़िया तो आसमान पे उड़ती है। हाँ, चिड़िया आसमान में उड़ती है। जो जमीन पे रहने वाले जीव जंतु कौन कौन से हैं ये बताइए। जमीन पे जैसे घोड़ा, घोड़ा रहता है। तेंदुआ। तेंदुआ आपके पास है? तेंदुआ, मकड़ी। ये, हाँ मकड़ी, मकड़ी। ये देखिए, ये मकड़ी भी क्या है हमारी, ये कीड़े मकोड़े के अंतर्गत आती है और ये भी जमीन पर ही रहती है। और बताइए, घोड़ा। हाँ देखिए, इनका घोड़ा कितना प्यारा है, देखिए ये भी आपका जमीन पर ही दौड़ता है, सरपट दौड़ता है ना, देखा है ना, बहुत तेज दौड़ता है घोड़ा। और भेड़। हाँ भेड़ लाइए, आपका हम भेड़ देखिए, देखिए बहुत अच्छी भेड़ है, ये भेड़ है ना, इससे हमें क्या मिलता है? ऊन। ऊन मिलती है। तो ये सब जीव जंतु जमीन के ऊपर रहते हैं और कुछ जीव जंतु जमीन के अंदर भी रहते हैं, है? तो अब बच्चों ये बताओ, ये जो चिड़िया होती है वो कहाँ रहती है? पेड़ पर। पेड़ पर, पेड़ पर रहती है। और उड़ती कहाँ है? आसमान में। आसमान में उड़ती है और आसमान में पूरी हवा होती है। तो ये जो हवा होती है वो आपके वायुमंडल के अंतर्गत आती है। भैया ये वायुमंडल क्या होता है? हाँ देखो, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जो वायु पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है और वो वायु पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल बनाती है। तो जो वायु का स्थान है उस स्थान को वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए, जो चिड़िया होती है वो पेड़ पे रहती है, आप लोगों ने देखी है। चलिए हम चित्र के माध्यम से भी देखते हैं। देखिए इसमें आपको ये एक पेड़ दिखाई दे रहा है जी, और इस पे कितनी चिड़िया बैठी है गिनो तो। एक, दो, तीन, चार। चार चिड़िया बैठी है और ये उड़ करके हवा में चली जाती हैं। तो हवा में भी कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, यानी कि जो आपका वायुमंडल है उसमें भी जीव जंतु रहते हैं। लेकिन पूरे वायुमंडल तो बहुत ऊपर तक है, लेकिन पूरे वायु में जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। थोड़ी ऊंचाई तक जैसे चिड़िया है, कौआ है, बाज है, या तितली है, या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, ये वायु में कुछ ऊंचाई तक होते हैं, लेकिन वायुमंडल तो बहुत ऊपर तक है, तो वहां तक कोई भी जीव नहीं रहता है। तो वायुमंडल में जहां जहां पर भी जीव मंडल होते हैं उसे वायु का जैव मंडल कहते हैं। वायुमंडल में जिस स्थान पर जीव जंतु पाए जाते हैं वह वायुमंडल का जैव मंडल है। तो जैसे पक्षी है, कीट पतंगे हैं, ये सब वायुमंडल में ही
पाए जाते हैं और वायु में पानी भी होता है। आप जानते हैं वायुमंडल में पानी भी होता है। पानी? हाँ, जो समुद्र है, तालाब है, नदी है, इन सबसे सूरज की रोशनी से, गर्मी से ये पानी भाप बन के वाष्प रूप में वायुमंडल में आ जाता है और ऊपर जाकर के ये संघनित होकर के बादल बनाता है और बादल ठंडे होकर के फिर बरसते हैं, बरस के पानी फिर जमीन पर आ जाता है। देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ये काले काले सब बादल है ना, बादल गड़गड़ाते हैं और जब पानी गिरता है तो ये सब बूंदों के रूप में पानी वायुमंडल का फिर से जमीन पर आ जाता है। तो वायुमंडल में हमारे जल भी पाया जाता है और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो भी पाई जाती है। सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है, ये 79% होती है और जो ऑक्सीजन गैस है वो वायुमंडल में दूसरी ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो 21% होती है और सभी जो गैसें हैं वो 1% के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से कई गैसों से मिलकर के हमारा वायुमंडल बना है। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के मंडल देखे, एक तो जलमंडल और स्थलमंडल और वायुमंडल, ये 3 प्रकार के हमारे मंडल हो गए। इन तीनों में जहां जहां जीव पाए जाते हैं वो तीनों मिलकर के जैव मंडल बनाते हैं। कौन सा मंडल बनाते हैं? जैव मंडल। जैव मंडल बनाते हैं। तो जैसे इसमें आप चित्र में देखिए, ये आपका वायुमंडल है पूरा और ये पूरा कौन सा मंडल है? जल मंडल है और ये स्थल मंडल। इन तीनों मंडलों के संयुक्त रूप से जैव मंडल बनता है। भैया अब हमने जैव मंडल के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अच्छा, आप लोग समझ गए सब जैव मंडल के बारे में? तो मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूं। जी। अच्छा बताइए, जल मंडल क्या होता है? जल मंडल जहाँ पे पानी पाया जाता है उस स्थान को जल मंडल कहते हैं। हाँ, अच्छा स्थल मंडल क्या होता है? जहाँ जमीन हो उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। रेगिस्तान के रूप में हो, पहाड़ हो, पठार हो, ये सभी आपके स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। अच्छा वायुमंडल क्या होता है? जहाँ पर हवा पाई जाती है उसे वायुमंडल कहते हैं। हाँ, जो पृथ्वी के चारों ओर हवा होती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और जैव मंडल में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं बताइए? घोड़ा। घोड़ा और चीटी। चीटी और तेंदुआ। हाँ, केचुआ। केचुआ और जलीय जीव भी जैव मंडल में आते हैं, स्थल वाले भी आते हैं और वायुमंडल के भी आते हैं। तो सभी का मिल करके एक जैव मंडल बनता है। तो आज हमने जैव मंडल के बारे में बहुत सारी जानकारी ली।